है आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा के समाचार सुनिए। केंद्र ने पश्चिम बंगाल के वर्धमान में हुए विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। इस बम विस्फोट में आतंकी गुटों के शामिल होने का संदेह है। राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कहा है कि एनआईए से जांच का फैसला केंद्र ने अपने आप लिया है। भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मामले को दबाने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा का ये भी आरोप था कि राज्य सरकार एनआईए से जांच नहीं कराना चाहती। सूत्रों ने बताया कि इस बारे में एनआईए कानून के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है और आज एफआईआर दर्ज की जाएगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में कल 15 लोग घायल हुए हैं। इनमें 3 सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। सरकारी सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गोलाबारी के कारण जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों से 30,000 से अधिक लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे सीमा पर शांति चाहता है तो उसे नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना भड़कावे के फायरिंग और गोलाबारी करने की कार्रवाई रोकनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव का राजनीतिकरण न करें। महाराष्ट्र में पुणे में बारामती में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कल कहा कि जवाबी कार्रवाई के लिए जो भी जरूरी होता है हमारे जवान करते हैं और उनका नैतिक बल गिराकर स्वार्थ की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आज अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ये निर्देश श्री चौटाला की जमानत खारिज करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के अनुरोध पर जारी किया। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने कल अदालत से कहा कि चौटाला ने अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है और इसलिए उनकी जमानत रद्द की जाए। सीबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया कि आईएनएलडी नेता श्री चौटाला को चिकित्सा आधार पर जमानत दी गई थी, लेकिन वे इसकी शर्तों का उल्लंघन कर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में चौटाला को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा सरकार पर रॉबर्ट वाड्रा के स्वामित्व वाली कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए जमीन सौदे से संबंधित पूरे तथ्य निर्वाचन आयोग को नहीं देने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल नई दिल्ली में बताया कि निर्वाचन आयोग को अपने जवाब में वित्त आयुक्त और राज्य के प्रधान सचिव ने कहा है कि डीएलएफ के पक्ष में लाइसेंस के नवीनीकरण और अंतरण का आवेदन विभाग के पास लंबित है, जबकि गुड़गांव के उपायुक्त ने जुलाई में जारी अपने आदेश में साफ साफ कहा था कि राजस्व विभाग के अभिलेख के अनुसार डीएलएफ की जमीन का मालिक है। श्री प्रसाद ने सवाल उठाया कि ये तथ्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए हरियाणा सरकार के जवाब में क्यों नहीं स्पष्ट किया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर इस जमीन सौदे की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष लीला सैमसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने बताया कि सुश्री सैमसन ने पिछले महीने की 30 तारीख को इस्तीफा दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। पश्चिम मध्य और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना समुद्री तूफान हुदहुद पश्चिम की ओर बढ़ गया है और विशाखापत्तनम से 630 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। इसके अगले 12 घंटों में पश्चिम पूर्व पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए और तीव्र होने की आशंका है। माना जा रहा है कि रविवार दोपहर से पहले ये विशाखापत्तनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश तट को पार कर जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के मुख्य सचिव आईवीआर कृष्णा राव ने समुद्री तूफान से निपटने की तैयारियों के बारे में जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि जानमाल की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। फेसबुक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है। उन्होंने कल कहा कि वे पूरे विश्व को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि संपर्क में रहना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is All India Radio. The news read by Kendra Kishan Sharma. The centre has decided to hand over to National Investigation Agency, NIA, the probe into the bomb blast in Burdwan in West Bengal, in which the role of terror groups is suspected, a decision which the Trinamool Congress government said was taken suavemente. The BJP and CPI-M, while demanding that the centre hand over the case to NIA, had alleged that the Mamata Banerjee government was trying to hush up the matter. The BJP also accused the state government of resisting an NIA probe. Official sources said in Delhi that the decision to hand over the case to the NIA was taken by the centre in view of international ramifications of the case, where some nationals from neighbouring Bangladesh were also allegedly involved. They said a notification was issued under the NIA Act and the agency will be registering an FIR today. India has asked Pakistan to stop unprovoked firing and shelling at line of control at international border if it wants peace on border. In a stern warning, Defence Minister Arun Jaitley said, if Islamabad persists with its adventurism, India's forces will make it unaffordable for Pakistan. Mr. Jaitley told media in New Delhi yesterday that there is a connection between firing and infiltration, as Pakistan uses firing as a cover to infiltrate into the Indian territory. National Security Advisor Ajit Doval reviewed the situation along the line of control and international border in Jammu and Kashmir in view of repeated ceasefire violations by Pakistan. Director General of PSF D.K. Pathak told reporters in New Delhi that the Jawans guarding the borders will continue to retaliate as long as Pakistan does not stop ceasefire violations. Meanwhile, heavy firing and shelling by the Pakistan forces on Wednesday along the entire international border in the state left 15 persons, including three BSF Jawans, injured. According to defense sources, the BSF troops guarding the border gave a befitting reply to the unprovoked Pak shelling. According to official sources, in view of the shelling, over 30,000 people have been evacuated from border areas along international border in Jammu, Kathua and Samba districts to safer places. The severe cyclonic storm Hudhud over west central and adjoining east central Bay of Bengal has moved westwards and lay centered at about 630 km